कोई भी जोड़ होता है वह उसकी संरचना इस तरह से भगवान ने बनाई है, जैसे ये शोल्डर है, शोल्डर की अगर बात करें तो यह इस तरह कंधे पे चलता है, और जब यह चलता है तो उसको चलाने के लिए आसपास में मांसपेशियां होती हैं, लिगामेंट्स होते हैं, मसल्स और लिगामेंट्स, ये दो चीजों पे किसी भी जोड़ का मूवमेंट है। और सेम थिंग इज विथ एंकल जॉइंट, एंकल की बात करें जो ये चलता है, इसमें भी चारों तरफ से मेनली लिगामेंट्स होते हैं और टेंडन्स होते हैं जो कि आसपास से गुजर रहे होते हैं। जब भी आप एक्सरसाइज करते रहते हैं और गलत ढंग से मूवमेंट हो जाता है तो वह लिगामेंट या टेंडन अपना जो सामान्य मूवमेंट है वो नहीं कर पाता है, या तो खिंचा जाता है, जिसको कि हम स्प्रेन करते हैं, लिगामेंट में होगा तो उसको स्प्रेन बोलेंगे, मसल्स में होगा तो उसको स्ट्रेन बोलेंगे। तो ये अलग अलग टाइप का हो सकता है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, और अगर इस तरह से जोड़ों में किसी तरह का कष्ट आ जाए तब आपको तुरंत उसका इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। नहीं कराइएगा तो बाद में वो रिकरेंट शोल्डर डिसलोकेशन हो सकता है, रिकरेंट एंकल पेन हो सकता है, घुटने में ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकती है, और आपका बाकी जीवन जो है हमेशा कष्ट में रहेगा। स्पोर्ट्स इंजरी को लेकर लोग अक्सर सबसे आम गलती क्या करते हैं जो उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है? सौम्या, ये जो बातें हैं इसको हम लोग को चर्चा करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हमारे युवाएं, बच्चे, बच्चियां या गृहणियां जो भी हों, मैं सबकी बात कर रहा हूं, अपने उम्र वालों की भी बात करूंगा, जब उनको चोट लगता है तो वह नज़रअंदाज कर देते हैं उस चोट को। नज़रअंदाज जब करते हैं तब उनकी तकलीफ जो है धीरे धीरे तो कम होती है, जो तकलीफ हो सकता है ढंग से इलाज करने में 10 दिन 15 दिन में ख़त्म हो जाए, वह ढंग से इलाज नहीं होता है तो महीनों महीनों तक उनको कष्ट रहता है, और बार बार वैसी चोट के बाद वो परेशानी होने की संभावना रहती है। इसलिए हल्के जोड़ के पास भी अगर चोट है तो उसको नज़रअंदाज ना करें। अगर आपको चोट लग जाता है, कभी भी उसको गर्म से सेके नहीं, गर्मी दीजिएगा, उसमें जो खून की नलियां फट गई हैं वह और ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी, छिद्र बड़ा होगा, और ज़्यादा खून का बहाव होगा, सूजन बढ़ जाएगा। हमेशा ठंडे कपड़े से उसको सेकिए, ठंडे पानी में डुबा के रखिए, बर्फ़ वाले पानी में कपड़ा भिंगा के उसको लपेट दीजिए तो सूजन नहीं बढ़ेगा। उस जगह को आप उठा के रखिए, एलिवेट करके रखिए, तो जो सूजन बढ़ने की जो संभावना है वह भी कम करते जाइएगा। उसको हल्के से कोई कपड़े से लपेट दीजिएगा, कंप्रेशन दीजिएगा, उससे फ़ायदा होगा। सबसे ज़रूरी हो जाती है रेस्ट। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दवा तुरंत खाइए न खाइए, लेकिन यह रेस्ट देना बहुत ज़रूरी, आराम देना बहुत ज़रूरी। अगर उसमें बार बार आप मेहनत कीजिएगा, उसको आराम नहीं दीजिएगा, तो वह जोड़ जो है हमेशा के लिए बीमार हो जाएगा।